जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा, Hello, my name is Hương and I'm from Hanoi private tour guide and today I And do you know why the bridge has the red color? Do you know why? You can guess. बुंका, right? बुंका? बुंका. वो बस मुझको तो बस ठीक लगा, but इसका और आज मेरा हानोई में सेकंड डे है और आज मैं आपको वियतनाम के गांव में लेकर जा रहा हूं जहां पे मैं पूरा दिन स्पेंड करने वाला हूं। दिल बेच के दिलबर माही नू दिलदार दी पूजा करनी है, तू सांब मसीता है मुल्ला सी यार दी पूजा करनी है, तू सूफी है मैं आशकियां तेरे नाल मोहब्बत नहीं निभनी, वो तू सजदा करदा काबे नू सी यार दी पूजा करनी। अभी मैं हब होटल की चेकिंग करने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं जो सिटी टूर है वहाँ के लिए निकलता हूँ, क्योंकि इनका होता है ना होटल का कि इनकी जो चेक इन है वो 12 बजे से पहले करनी पड़ती है, तो इसलिए मैं अभी इसकी चेक इन करके फिर मैं उस सिटी टूर नहीं उसका विलेज का टूर है तो वहाँ के लिए निकल रहा हूँ। हाँ दोस्तों, वो जो मेरा फ्रेंड था वो अभी आ गया है तो मैं आपको उसके साथ मिलवाता हूँ। हेलो, व्हाट्स योर नेम? आई एम चुअंग टी। टी, या यू कैन कॉल हिम टी। या सो आई एम विद हिम फॉर टुडे। और पहले मैं अपना एक एक्स्ट्रा बैग जो मेरी यहाँ पे एक फ्रेंड है उसको देने जा रहा हूँ। से हाय। हाय। एंड शी इज वर्किंग हियर। ओके, now we are going for the winding my friend's home. We are just on the way. और इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं अपने इस फ्रेंड को पहले नहीं जानता था, आज पहली बार ही मिलता हूँ और ये भी सेम ऑर्गेनाइजेशन द फ्री हानोई प्राइवेट टूर का मेम्बर है। और जैसे जैसे ही हम सिटी क्रॉस करते जाते हैं जो ट्रैफिक है वो भी थोड़ा सा कम होती जा रही है और फाइनली 2 आवर की ड्राइव के बाद हम उसके गांव में पहुंच जाते हैं। Okay, this is my father over there. Father? Yeah, my father. Yeah, the dog. Yeah. Hi. Hi, hello. How are you? How are you? I'm good. Yeah, I'm fine, thank you. दोस्तों अभी हम जो मेरा फ्रेंड है उसकी विलेज में है, तो अभी मैंने क्या करा था उसकी फैमिली को मिला था, तो अभी मतलब यहाँ पे एक मार्केट है तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं, तो इसका जो विलेज है वो देख के मुझे मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किसी पंजाब का विलेज ना हो, द सेम लुक का, वैसे लोग सब कुछ वैसा ही है। तो अभी हम एक मार्केट है उसको एक्सप्लोर करने मतलब जा रहे हैं। और मेरे फ्रेंड का गांव देखकर मुझे लगता है कि मैं किसी पंजाब और या किसी इंडिया के गांव में हूँ, और वियतनाम के जो गांव हैं इंडिया के गांव से क्वाइट सिमिलर हैं। अभी हम दोस्तों इसके जो मेरा फ्रेंड है उसकी विलेज में आए हैं, तो यहाँ पे एक मार्केट है, उसने मुझे बताया था कि यहाँ पे एक मार्केट है, तो अभी हम वो मार्केट देखने के लिए आए हैं। और ये मार्केट मेरे जो फ्रेंड का गांव है उसके पास के गांव में लगती है और ये जो मार्केट वंस इन ए वीक ही लगती है। और ये मार्केट भी जो इंडिया में मार्केट लगती है सब्जी मार्केट, उससे क्वाइट सिमिलर है। और यहाँ पे आपको जितनी भी घर में हाउस होल्ड थिंग्स हैं जहाँ सब्जियाँ वगैरह या सब कुछ, वो आपको काफ़ी चीप रेट में मिल जाएगा। खैर मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी तो मैंने कुछ भी बाय नहीं करा। ऐसे एरिए जाके फीलिंग पूरी पंजाब वाली आ रही है, काफ़ी सिमिलर है इंडिया के नाल, मतलब अपने पंजाब के नाल रोड्स काफ़ी सिमिलर आ, मतलब फील्ड चल थोड़ी मतलब है डिफरेंट, कल्चर भी डिफरेंट है, पर बाकी सारा कुछ क्वाइट सिमिलर। अभी दोस्तों मार्केट से हम सीधा आए हैं मेरे फ्रेंड के घर में, जो मेरा फ्रेंड है उसके घर आए हैं,
और अभी जो इसके पापा हैं वो मतलब कोई खाना बना रहे हैं. हेलो. एंड इसने मुझे बताया था जो इसके पापा वो आर्मी में शेफ थे एंड नाउ ही इज प्रिपेयरिंग लंच फॉर अस. और खाना सच में बहुत टेस्टी था. अभी गाइस थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद हम जा रहे हैं. एक टेंपल है यहाँ पे. तो जो मेरा फ्रेंड बोल रहा है कि मैं आपको उस टेंपल के लिए मतलब दिखाता हूँ कोई वो मतलब जहाँ का कैपिटल फर्स्ट कैपिटल. हाँ फर्स्ट कैपिटल. तो गाइस मैं बोलता हूँ सबसे मतलब ज़रूरी बात है हेलमेट. हेलमेट कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए. हमें थोड़ी सी गलती हो गई है. सो ऑलवेज वेयर हेलमेट व्हेन यू ड्राइव. अभी टेंपल के रास्ते में यहाँ पे एक म्यूज़ियम है जो इसकी मतलब मेरे फ्रेंड की विलेज में है. तो उसने मुझे बोला कि अगर आप यहाँ म्यूज़ियम में भी थोड़ा सा रुकना चाहते हो यहाँ पे देखना चाहते हो तो आप रुक सकते हो. तो मैंने बोला आए हैं तो फिर मना ही किस बात की ना. तो अभी मैं आपको थोड़ा सा मतलब एक दो झलकियाँ जो म्यूज़ियम है उसकी दिखाता हूँ मैं आपको. उसके बाद मैं आपको मैं टेम्पल पर लेकर जाता हूँ. और ये इस गांव का म्यूज़ियम है. पहले तो मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इस छोटे से गांव में भी इतना अच्छा म्यूज़ियम भी हो सकता है. और कैसे इन्होंने अपनी पुरानी कल्चरल चीज़ों को इतने अच्छे से रखा हुआ है. और मेरे फ्रेंड ने बताया कि इस म्यूज़ियम से उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको उनके पुराने कल्चर के बारे में पता चलता रहेगा. और यहाँ पे मुझे लगा कि अगर वियतनाम के गांव में ऐसा म्यूज़ियम हो सकता तो हमारे इंडिया के गांव में क्यों नहीं. थोड़ा सा विलेज है उसमें ये एक म्यूज़ियम है. तो मैंने तो इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था कि म्यूज़ियम में इतना कुछ होगा. पर सच में जो म्यूज़ियम है वो बहुत ही अच्छा है. एक छोटे से गाँव के हिसाब से अगर देखें तो उन्होंने बहुत सारा जो अपना मतलब पुराना है इनका जो कल्चर वो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने मतलब उसको सांभ के रखा हुआ है. तो म्यूज़ियम इज़ सो गुड. नाउ वी आर गोइंग फॉर टेंपल. अभी हम दोस्तों जो टेंपल है वहाँ पे पहुँच गए हैं. और ये इस गांव का छोटा सा टेंपल है. और मेरे फ्रेंड ने बताया कि ये जो टेंपल है ये आसपास के कुछ गाँव में बहुत ही फेमस है. और ये फ्रूट्स उन्होंने एक फेस्टिवल है उसके लिए रखा हुआ है. और मेरे फ्रेंड ने बताया कि यहाँ पे जो लोग बाहर से इस टेंपल को देखने आते हैं जहाँ जो आसपास के गांव से इस टेंपल को देखने आते हैं उनके लिए एक टिकट है. बट मेरे से उन्होंने कोई भी ऐसी टिकट नहीं ली थी. और इस टेंपल में भी मेरे को वियतनाम के कल्चर की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं. और यहाँ पे वो मेरे को एक सर्टिफिकेट देते हैं जिसको वो ब्लेसिंग ऑफ गॉड बोलते हैं. गाइस अभी मैं जो टेंपल है उसके अंदर से आ रहा हूँ और इन्होंने मुझे ये सर्टिफिकेट दिया है. ये बोलते हैं कि ये मतलब ब्लेसिंग ऑफ गॉड है. तो जो टेंपल है यहाँ की कोई फीस थी बट मतलब वो जो मेरा फ्रेंड है वो यहाँ का लोकल है तो दैट इज़ द रीज़न इन्होंने मेरे से कोई टिकट नहीं ली कोई फीस नहीं ली. हेलो. और ये इस गांव का स्कूल है जहाँ पे इस गांव की महिलाएं और पुरुष दोनों एक साथ खेल रहे हैं. अभी गाइज हम जा रहे हैं जो मेरा फ्रेंड है उसके अंकल के हाउस में. तो अभी हम क्विकली एक टूर लेते हैं इसके अंकल के हाउस का. उसके बाद मैं जा रहा हूँ सीधा सिटी. देन आज मेरी शाम की 9 o'clock की बस है हाजान की. और अभी हम जा रहे हैं जो मेरा फ्रेंड है उसके अंकल के फार्म हाउस में जो मेरा इस गांव का लास्ट डेस्टिनेशन है. और ये फार्म हाउस सच में बहुत लाजवाब जगह है.
और ये मेरे फ्रेंड का अंकल है जो मछलियाँ पकड़ने के लिए जा रहा है और वो मेरे को भी साथ चलने के लिए इनवाइट करता है, बट ड्यू टू टाइम शॉर्टेज मैं मना कर देता हूँ। अभी गाइज मैंने जो यहाँ पे इसके अंकल का टूर है वो मैंने अभी फिनिश कराए, तो नाउ मैं अभी इसके घर पे जा रहा हूँ और वहाँ से फिर मैं निकलता हूँ सिटी के लिए। और सच में आज जो एक यहाँ पे विलेज का टूर था वो आई कैन से दैट कि वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ माई जर्नी, और बहुत ही यहाँ पे मेरे को प्यार मिला और बहुत ही कुछ यहाँ वियतनामीज का जो कल्चर था वो सीखने को मिला। अभी गाइज मैं मतलब यहाँ पे इनके घर से मतलब निकल रहा हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ सिटी में और इस सच में यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं मतलब जो अपने फ्रेंड है इसको नहीं जानता था, मैं इसको आज ही मिला और अभी इसकी फैमिली के साथ रहा हूँ, सब कुछ रहा हूँ, तो ऐसे मुझे मतलब फील हो रहा है कि आई एम जस्ट लाइक हिज फैमिली मेम्बर, तो बहुत अच्छा लगा मुझे और आज का जो दिन था वो टोटली वर्थ इट। एंड अभी गाइज मैं आपको मिलता हूँ सिटी में और अब हम जा रहे हैं वापस हानोई सिटी की ओर, जहाँ पे मेरी नाइट बस है हाजान की। और सिटी में पहुँचते पहुँचते हमारे को रात हो जाती है और ये हानोई की ट्रैफिक है। अभी गाइस आज का जो टूर है उसका एंड होने वाला है और मैं जो मेरा फ्रेंड है मैंने उसको बहुत फोर्स करा कि तू तेरे को मैं ऐसे नहीं जाने दूँगा, सो यू हैव टू हैव डिनर विद मी। और यहाँ पे मैकडोनल्ड में मैं अपनी जो दो ट्रैवल पार्टनर है उनको मिलने जा रहा हूँ, वो यहाँ पे कहीं मतलब बैठे हुए हैं और मैं उनको आपके साथ इंट्रोड्यूस कराता हूँ। इज़ फ्रॉम इंडिया, व्हाट्स योर नेम? सियोन। सो शी इज़ माय सेकंड ट्रैवल पार्टनर, व्हाट्स योर नेम? साइदा। और फाइनली मैं अपने दोस्त को थैंक यू एंड गुड बाय कहता हूँ और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको लेकर जाऊंगा हाजान में, जहां पे हम लूप करने वाले हैं। अभी बोलते हैं ना हाईएंड की सड़कों पे मतलब कोई शरण ढूंढ रहे हैं कहां पे रुकेंगे। यहां पे सब कुछ हॉस्टल वगैरह सब कुछ बंद है, हमें ये नहीं पता चल रहा कि हम कहां जाएं कहां नहीं। और फाइनली हमारी लूप स्टार्ट हो जाती है।